हमारे पास तो सर हजारों पेन है सर, हम तो अमीर लोग हैं। हमारे टाइम तो देखो एक ही पेन यूज करते थे, उसके कारण भी बता देता हूं। एक पेन यूज करने का बहुत इंपॉर्टेंट रीजन बता रहा हूं आप, इसलिए एक बात समझो कि भाई लिखना, तेज लिखना क्यों इतना जरूरी है ऑब्जेक्टिव एग्जाम की। अब इसका मतलब ये नहीं है तुम लड़ने लग जाओ, सर मेरा वो वाला पेन है उसकी रिफिल ही कभी खत्म नहीं होती, पेट्रोल खत्म ही नहीं होता सर वो वाली रिफिल। आपने एक बार पेन रूल बताया था, हाँ पेन रूल करके मैंने एक चीज बताई थी, आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर प्रयास बैच में बताया था। क्या है पेन रूल करके मैंने एक चीज बताई थी, अगर नहीं पता तो बता देता हूँ मैं तुम्हें। पेन रूल करके बच्चों ने बना लिया एक पेन रूल, मैं तो बस ये समझा रहा था कि जेई के जो एस्पिरेंट होते हैं अगर उनका एक आम पेन लिया जाए, जैसे नॉर्मल रेनॉल्ड्स वाला पेन आता है वो, यार वो ब्लू एंड व्हाइट वाला जो हमारे टाइम से पेन चला आ रहा है, आई थिंक आज तक चला आता है वो, तो अगर आप प्रैक्टिस ढंग से कर रहे हैं, तुम पूछते हो ना कितने घंटे पढ़े कितने सवाल करें, मैं तुम्हें ये सब चीजों से अलग एक सिंपल सी चीज बता रहा हूँ कि अगर तुम्हारा वो बॉल पेन 3 दिन के अंदर खत्म हो रहा है तो तुम्हारी पढ़ाई सही चल रही है। क्या बोला मैंने कि अगर आपका एक बॉल पेन 3 दिन के अंदर अगर उसकी रिफिल खत्म हो जा रही है तो आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप, इसका मतलब आप प्रैक्टिस बहुत बढ़िया कर रहे हैं, इसका मतलब आप बहुत अच्छी तरीके से अपने क्वेश्चंस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि क्योंकि आपका पेन उस स्पीड से यूज हो रहा है। मैं जब जेई की तैयारी कर रहा था मेरा 3 दिन में निपट जाता था, कई बार 2.5 दिन में भी निपट जाता था, कई बार 3 दिन में भी निपट जाता था। अब तुम कहोगे सर हम एक पेन थोड़ी यूज करते हैं सर, हमारे पास तो सर हजारों पेन है सर, हम तो अमीर लोग हैं। हमारे टाइम तो देखो एक ही पेन यूज करते थे, उसके कारण भी बता देता हूं। एक पेन यूज करने का बहुत इंपॉर्टेंट रीजन बता रहा हूं आपको पहले, ठीक है। बहुत लोग हैं जो पेन मिल गया आहा आज इसी से लिखना शुरू, कल वो वाला खो गया परसों इससे लिखना शुरू, हाँ तो ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना, तुमने देखा है कि मैं इस पेन से कितनी तेज लिखता हूं, नोटिस किया है तुमने कि मेरी राइट, अगर मैं फुल स्पीड पे लिख रहा होता हूं तो मैं कितनी फास्ट लिखता हूं। तुम में से कुछ लोग सोचते हैं अरे सर ये कितनी फास्ट लिख दिया आपने, हम तो इतनी तेज लिख ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि मेरे को इस पेन से लिखने की हैबिट हो गई है। कल तुमने देखा होगा कल मैं थोड़ा सा डिफरेंट लिख पा रहा था कल, क्योंकि पेन डिफरेंट था वहां पे व्हाइट वाला, है ना। बट इस पेन से, ये पेन मेरे हाथ में बैठ चुका है, अगर तुम इससे मुझे लिखने का कॉम्पिटिशन करोगे कि मैं तुमसे इस पेन से डबल स्पीड पे लिख दूंगा, अब उससे फायदा क्या है? तुम एक बात सोचो, अगर जेई का पेपर 3 घंटे का दे रहे हो, 3 घंटे का पेपर अगर जेई का दे रहे हो तो उसमें कितनी देर लिखोगे? मैं एक रफ एग्जांपल ले रहा हूँ, जेई मेन की बात कर लेते हैं, 3 घंटे का पेपर, उसमें तुम कितनी देर कैलकुलेशन या लिखना करोगे? भाई 1.5 घंटा सोच लोगे ज्यादा से ज्यादा। अब 1.5 घंटे में मेरी स्पीड अगर आपसे फास्ट है तो मतलब जो आप 1.5 घंटे में लिख रहे हैं वो मैं 1 घंटे में लिख लूंगा, क्योंकि मेरी राइटिंग स्पीड तुमसे इतनी फास्ट है। या किसी ऐसे बच्चे की जो तुमसे तेज लिखता है, वो जो तुम 1.5 घंटे में लिखोगे वो उतना काम 1 घंटे में लिख लेगा। तुम्हारी राइटिंग स्पीड स्लो होने की वजह से तुम एग्जाम में 1/2 घंटे का नुकसान है। तो इसलिए एक बात समझो कि भाई लिखना, तेज लिखना क्यों इतना जरूरी है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, क्योंकि आपका वहां समय बच रहा है, 30 मिनट बहुत बड़ी चीज होती है। तो इसीलिए एक पेन से लिखना शुरू करोगे ना तो तुम्हारी स्पीड बहुत बढ़ेगी, और एक पेन से लिखने से 2 फायदे हैं, एक तो स्पीड बढ़ेगी, दूसरा अगर तुम्हारा वो एक पेन 3 दिन में खत्म हो रहा है मतलब तुमने तैयारी तुम्हारी बढ़िया चल रही है। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि यही छोटी छोटी चीजें होती है डिफरेंस बिटवीन टॉपर्स एंड एवरेज बच्चा। ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट उन्हें बड़े डिफरेंट आते हैं, अरे यही फॉर्मुले हैं, वही क्वेश्चन है, सब किताबें वही हैं, मैं बता रहा हूं। बस मेहनत, सभी अगर जो बच्चे मेहनत करते हैं और उसमें भी जो टॉपर्स बनते हैं, तब में छोटी छोटी चीजों में डिफरेंस होता है। वो छोटी छोटी चीजों में अगर आप डिफरेंस क्रिएट कर लेंगे तो आप भी चैंपियन बन सकते हैं। जहां भी एज मिल जाए छोटी छोटी वहां पे अपने को कोशिश करनी है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है तुम लड़ने लग जाओ सर मेरा वो वाला पेन है उसकी रिफिल ही कभी खत्म नहीं होती, पेट्रोल खत्म ही नहीं होता सर वो वाली रिफिल है। भाई मैं क्या करूं, मैं कॉमन सेंस की बात बता रहा हूं। एक कॉमन जो पेन होता है जिसमें फालतू की एक्स्ट्रा रिफिल नहीं, नॉर्मल पेन, मैंने तुम्हें बता भी दिया वो रेनॉल्ड्स वाला वाइट ब्लू वाला जो आता था, 3 दिन में उस टाइप का पेन खत्म होना चाहिए। अब तुम्हारा डबल चलता है उससे तो भाई 6 दिन चला लो, यूनिटरी मेथड लगा लो, कॉमन सेंस। नहीं होगा सर मेरे से, बहुत अच्छी बात है बेटा, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे बैंड बज गया है आधे लोगों का। सर 3 दिन में पेन खत्म कैसे हो जाएगा सर, मेरा तो सर 10 दिन चलता है। तो पहले यही, अब ये नहीं 3 दिन का मतलब सर लो रफ नोटबुक में दिन रात कार्टून बनाए जा रहे हैं, आई लव यू लिखा जा रहा है 100 बार ताकि पेन खिस जाए बस किसी तरह, और वो ड्रॉइंग पे ड्रॉइंग ऐसा होता है ना, लास्ट पेज में ड्रॉइंग बन रही है और यूं लिखे जा रहे हैं बस पेन पे पेन चले जा रहे हैं, सोच में बीते हुए हैं। ऐसा तुम्हारे साथ होता है क्या? पढ़ने बैठे थे और लास्ट पेज में यूं करे जा रहे हैं, टिक का मार्क इसमें 100 बार यूं करे जा रहे हैं। हमारे साथ तो होता था भाई ये लास्ट पेज में यही सब होता था। सर मेरा 20 दिन में होता है, अभी तो तुम्हारे बैच में बताया नहीं था मैंने, ड्रॉपर वाले बच्चे जो थे वो कहते थे हाँ सर 3 नहीं तो 5 में तो हो जाता है, फिर धीरे धीरे करके उन्होंने 3 में भी कर लिया। साइन करता हूँ सर मैं, हाँ साइन की भी बड़ी आदत, लास्ट पेज में बस साइन करे जाएंगे, लास्ट पेज भरा हुआ है पूरा अपने साइन कर करके, जैसे पता नहीं भाई साहब प्राइम मिनिस्टर साहब हो, तुम्हारे साइन इतने इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे साइन किसी ने कॉपी कर लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। 4 दिन में सर, चलो वेरी गुड, तो अब मैं 2 महीने बाद तुमसे पूछूंगा पेन कितने दिन में खत्म हो रहा है। जो लोग ये इंप्लीमेंट करें स्ट्रेटेजी बताना जरूर, 2 महीने बाद हम लोग पेन रूल को डिस्कस दोबारा।